जननम के न्यूट्रिशनल हैक सीरीज के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे फास्फोरस के बारे में। न्यूट्रिशनिस्ट मनप्रीत हमें बताएंगी कुछ क्विक हैक्स जिनकी मदद से हम अपने खाने में फास्फोरस की मात्रा बढ़ा सकते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि हमारे सभी अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। फास्फोरस हमारे शरीर में दूसरा सबसे ज्यादा पाया जाने वाला मिनरल है। ये लगभग 85% कैल्शियम के साथ हड्डियों और दांतों में पाया जाता है। सेल्स के डीएनए, आरएनए और जेनेटिक कोड का भी ये महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका मेन फंक्शन हड्डियां और दांतों का फॉर्मेशन है। फास्फोरस कार्बोहाइड्रेट और फैट के मेटाबॉलिज्म में, मतलब उनका सही उपयोग कराने में बहुत मदद करता है। साथ ही सेल रिपेयर के लिए जरूरी प्रोटीन बनाने में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। शरीर को एनर्जी की जरूरत होती है जिसके लिए एटीपी बनाना होता है। इस एटीपी में पी का मतलब है फास्फोरस, यानी शरीर को ताकत देने का काम भी फास्फोरस करता है। रेकमेंडेशंस के हिसाब से प्रतिदिन युवा पुरुष और स्त्री को 600 मिलीग्राम फास्फोरस लेना चाहिए, पर गर्भावस्था में इसकी डिमांड और बढ़ जाती है, यानी इसकी रेकमेंडेशन भी दुगनी हो जाती है, जो है 1200 मिलीग्राम। गर्भावस्था के दौरान फास्फोरस को एक विशेष अहमियत दी जाती है, क्योंकि फास्फोरस अपने साथ साथ कैल्शियम और विटामिन डी के बीच भी तालमेल बिठाने में मदद करता है, जो कि आपके शिशु की हड्डियों के लिए बेहद जरूरी है। दांतों के लिए भी नींव फास्फोरस ही रखता है। शरीर में होने वाली लैक ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा की कमी, जो कि गर्भावस्था के दौरान देखी जाती है, ये भी फास्फोरस की कमी से ही होती है। कैल्शियम के साथ मिलके फास्फोरस बच्चे के नर्वस सिस्टम के विकास में भी पूरी मदद करता है। आइए जानते हैं फास्फोरस की कमी के कुछ आम से लक्षण, जैसे चिंता, थकान, चिड़चिड़ापन, जोड़ों का सुन्न होना या जोड़ों का अकड़ जाना, अनियमित श्वास यानी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ऊर्जा की कमी और वजन में अनियमित परिवर्तन। आइए जानते हैं कौन कौन से हैं ऐसे खाद्य पदार्थ जिनमें फास्फोरस भरपूर पाया जाता है। दूध और दूध से बने पदार्थ जैसे कि दही, पनीर, छाछ, छेना, साथ ही अंडे, मच्छी जैसे ट्यूना मच्छी, राजमा, सोयाबीन, मसूर की दाल, ओट्स, बादाम, अलसी के बीज इत्यादि। अब वक्त है कुछ ऐसे हैक्स जानने का जिनसे आप अपनी डाइट में फास्फोरस इंटेक बढ़ा सकते हैं। कैल्शियम की ही तरह फास्फोरस के एब्जॉर्प्शन के लिए भी सबसे जरूरी है विटामिन डी। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप विटामिन डी के अच्छे सोर्सेज जैसे कि अंडा, अंडे की जर्दी, मक्खन, घी और सुबह की सुनहरी धूप जरूर लें। अगर आप शाकाहारी हैं तो परेशान न हो, इंडियन क्विजीन फास्फोरस के रिच सोर्सेज प्रदान करता है, जैसे दूध, दही, पनीर, चीज, मेवे जैसे काजू, पिस्ता, बादाम। साथ ही अगर आप कैल्शियम और प्रोटीन से भरपूर भोजन करते हैं तो आपकी फास्फोरस की कमी अपने आप ही कम हो जाएगी। आइए देखें इस एपिसोड में हमने अब तक क्या सीखा। प्रेगनेंसी में 1200 मिलीग्राम फास्फोरस लेना जरूरी है। हड्डियों और दांतों के विकास के लिए फास्फोरस पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए। प्रोटीन बनाने के लिए भी फास्फोरस से मदद मिलती है। कैल्शियम और विटामिन डी के बीच की कोऑर्डिनेशन के लिए फास्फोरस आवश्यक है। डेयरी प्रोडक्ट्स, फिश, राजमा, ओट्स, अलसी के बीज इत्यादि में फास्फोरस अच्छी मात्रा में पाया जाता है। नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी प्रेगनेंसी के एक्सपीरियंसेस हमारे व्यूअर्स के साथ जरूर शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। प्रेगनेंसी एक्सपर्ट से टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। पर्सनलाइज्ड प्रेगनेंसी केयर के रेगुलर व्हाट्सएप अपडेट्स के लिए 9394293942 पर मिस्ड कॉल दें और याद रखें कि हर प्रेगनेंसी स्पेशल होती है और किसी भी रूटीन को स्टार्ट करने से पहले डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। नमस्कार।